रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मेरे मन के तार तार में 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 घन श्याम छुपे बैठे हैं 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 मेरी श्रद्धा और विश्वास में मेरी श्रद्धा और विश्वास में भगवान छुपे बैठे भगवान छुपे बैठे हैं ये सूरज चांद सितारे ये सूरज चांद सितारे ये लोक लोकांतर सारे ये लोक लोकांतर सारे सागर के गहरी धार में सागर की गहरी धार में भगवान छुपे बैठे भगवान छुपे बैठे हैं घन श्याम छुपे बैठे घन श्याम छुपे बैठे हैं ये नदियां नाले सारे ये नदियां नारे सारे ये वन पर्वत है भारे ये वन पर्वत है भारे इन फूलों के गुलजार में इन फूलों के गुलजार में घन श्याम छुपे बैठे हैं घन श्याम छुपे बैठे हैं बाहर नहीं ढूंढने जाना बाहर नहीं ढूंढने जाना हृदय में ज्योति जलाना हृदय में ज्योति जलाना हृदय की गुप्त पिटार में हृदय की गुप्त पिटार में भगवान छुपे बैठे भगवान छुपे बैठे हैं अब अंतर ध्यान लगाया जब अंतर ध्यान लगाया प्रभु जी का दर्शन पाया प्रभु जी का दर्शन पाया मेरे रोम रोम संसार में मेरे रोम रोम संसार में घन श्याम छुपे बैठे हैं घन श्याम छुपे बैठे हैं प्रभु से कुछ नहीं छुपाना प्रभु से कुछ नहीं छुपाना यूं पापों से बच जाना यूं पापों से बच जाना इस ज्योति और अंधकार में इस ज्योति और अंधकार में घन श्याम छुपे बैठे हैं घन श्याम छुपे बैठे हैं इस निर्मल श्याम घन में इस निर्मल श्याम घन में घन श्याम छुपे बैठे हैं घन श्याम छुपे बैठे हैं भगवान छुपे बैठे हैं भगवान छुपे बैठे हैं भूल वृंदावन विहरी लाल के जय।
भागवत महापुराण के वेदव्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के सद्गुरु महाराज के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान संकल्प कर दले कि मोर जीवार भी अच्छे ता पूर्व जदुवंश मध्य चली जीवा उचे ता पूर्व जो माने मते बहुत प्रेम करछन्ते मु मते तंग स्नेह करछि सोचन मोर बापा मां वसुदेव देवकी बलराम राणी माने से मानक मते ज्ञान देवा दरकार तनो वसुदेव को ज्ञान देवा पे नारद आसवी द्वितीय अध्याय प्रारंभ होचे मुझे विद्यार पांचटी अंग अच्छी वैराग्य विवेक फिर सत्संग भक्ति तत्व ज्ञान तो सत्संग ही बिनु सत्संग विवेक न होई सत्संग ही विवेक ज्ञान हुए। द्वितीय अध्याय प्रारंभ श्लोक नंबर वन श्लोक बहुत ही छोटिया शब्द टी जो मैंने बही रखी ना बहुत मजा आस जो शब्द टा मुझे कहि द्वितीय अध्याय प्रथम नंबर श्लोक देख श्लोक भी दरकार नहीं केवल शब्द टी प्रथम देख गोविंद भुज गुप्तायां द्वारवत्यां बस एति हे कुरुनंदन माने परीक्षित पाई पूछन सुखदेव जी पूछन वर्तमान कुरुद भ चली गला केवल आउटे रहला द्वारवत्यम द्वारका को भ गोविंद भुज गुप्तायम गोविंदंकर भुज द्वारा रक्षा गुप्त माने रक्षा अर्थात निजे तंकर बाहुबल रे रक्षा करछन केते सुंदर शब्दटा द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय प्रारंभिक शब्द ही गोविंद भुज गुप्ताय माने कौन ना द्वारका को निज हाथ रे से रक्षा करछन आ बाकी कौन बाकी सब अन्यान्य द्वारका माने अन्यान्य शहर को ना अन्यान्य शहर के तंकरी भुज रु जो उत्पन्न होई छन क्षत्रिय से माने रक्षा करछन बारीक बुझंता जमती जने राजा हो बा जने पति हो सीए तंकर निजर डायरेक्ट परिवार को रक्षा करछन हला जमते गोटे मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो प्रेसिडेंट हो तो सीए तंकर निजर तापर तंकर जो पावर जो सारा देश सारा राज्य रक्षा हो ठीक से भगवान निजे बाहुबल रे रक्षा कर जुआडे गले मत ध्यान रोचे राजस्व यज्ञ रे जाईथिले जानले निश्चय शल्य आसीथिबो आक्रमण होथिबो शत्रु सत शल्य आसीथिला आक्रमण होथिला अनिरुद्ध आदि से माने रक्षा करथिले तुरंत बलराम जी सहित आसले बलराम को रक्षा करिया पई कहले बॉर्डर रक्षा बीएसएफ रा इंचार्ज हे गले देन भगवान युद्ध करले केते सुंदर गोविंद भुज गुप्ताय आ टिके कहि माग जीव पुरुष सूक्त मरे मध्य वर्णन अछि भगवान कर मुख रु ब्राह्मण हो चुके
ब्राह्मणस्य मुखमासे, ब्राह्मण अस्य मुखमासे, भगवान को मुख ही ब्राह्मण एमती दीटा अर्थ भगवान को मुख रु ब्राह्मण उत्पन्न होचंदे, भगवान को मुख ही ब्राह्मण बाहु राजन्य कृतः। ये जो क्षत्रिय जो राजा राजन्यः राजा राजानु राजन्यः, ये जो क्षत्रिय राजा से भगवान कर बाहु ऊरु तद्वैश्यः, ऊरु होची जंगो होची भगवान कर माने वैश्य वैश्य होची भगवान कर जंगो एंदिलियो भगवान को उरु जंगरु भी वैश्य उत्पन्न नहीं चला। पद्भ्याम सूत्र अजायत भगवान को पादुर सूत्र उत्पन्न नहीं चला। ये तो कुछ रॉंग अर्थ निया जाओ जी। ये तो जन्म रु जता कथे तो ब्राह्मण से तो देखो आमी माने मुखो मुखो जो सब बड़ो तमें माने पादुर धुली अच्छा दी पादुर धुली को एमती तमें माने हो ताले गोटे काम करियो ना कोण ना ब्राह्मण रो जे पादा उदर करने पादा टा घंड रो तमे मुख को नै कि जंत रोया पर आगे यार अर्थ बुझिबा दरकार गोटे शरीर पई सब अंग दरकार को अंग छोटो को अंग बड़ो नु ह के कोटे स्थान दिया जाय छी बस आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब भगवान उत्पन्न कले कहार को स्थान कहार को यूटिलिटी वैल्यू। सेकेंड वेरी वेरी सिंपल लॉजिक व्यवहारिक लॉजिक जो ब्राह्मण जदि के कहो आम देख लु मुख रु उत्पन्न हो तमें माने शूद्र से ब्राह्मण ही नमी स्वामी जी आप डायरेक्ट कर दौरान से ब्राह्मण कारण ब्राह्मण लक्षण से क्या तर्क कर ब्राह्मण लक्षण सी निजे बड़ आने को छोट कह ब्राह्मण लक्षण सी समस्त को ब्राह्मण ही देखिए जदि ब्राह्मण देखुना जान दे ब्राह्मण सर लाइट मुख बंद जवाब बंद जुबान बंद से जाहु आम पॉइंट मेन थेला कौन बाहु राजन्य कृत भगवान बाहुरु ही उत्पन्न नहीं जो क्षत्रिय बाकी शहर को बाकी राजधानी को बाकी राज्य को क्षत्रिय माने रक्षा कर किंतु द्वारका को भगवान निजे रक्षा करते हैं। फिर कौन कहते अबाद से नारदो अभीष्म कृष्णोपासन लालस नारद गोटे सुंदर शब्द अच्छे कृष्ण उपासन लालस कृष्ण को उपासना करने लालायत उपासन अर्थ दर्शन कृष्ण दर्शन लालस आम मान मन केमती हवा उचित कृष्ण दर्शन लालस कृष्ण श्रवण लालस कृष्ण श्रवण लालस कृष्ण दर्शन लालस भगवान को पाई आमे कांदुचु भगवान को पाई आमे रोना आता है तो जानना कि ये प्यार है भगवान के लिए कृष्ण दर्शन लालस के नारद तो नारद आसीगले जोटी भगवान अच्छा भगवान चरण कमल दिव्य मधुर मकरंद रस के सुंदर शब्द ना भगवान चरण कमल दिव्य गंध मकरंद रस आस्वादन करने भक्त मान लालायित सदा सर्वदा जाग्रत तो रूप माधुरी सुकुमार स्पर्श मंगलमय ध्वनि इंद्रिय मान को सतेज कह न कर को व्यक्ति चाहिए कि भगवान कथा भगवान स्पर्श भगवान चाहनी भगवान प्यार कृपा कटाक्ष कटाक्ष शब्द किए चाहिए नारद मध्य पड़े आद्यपि हालांकि नारद को अभिशाप मिली तुम्हें कौ जगार भी रही पारे देवी ने किंतु जो सत्संग आज्ञा हम से नारद को से अभिशाप कम दिए जमीती बाली सुग्रीव को प्रसंग बाली को अभिशाप मिली ऋष्य संग पर्वत को आसपर प्रवर्षण पर्वत
परमेश्वर हूँ द्वारका मानते मथुरा ये ऋष्यमुख तो ऋष्यमुख पर्वत को अभिशाप मिल जाए मतंग से अभिशाप दे बाड़ी कारण सी क्या को राक्षस को मारिके फिंगा फिंगी कर सब मंस हाड़ सब पड़ूगा तेणु बाड़ी को देखते तो यही जगह को आसो मान तो मूर्धन्य फाटी जी सुग्रीव सुग्रीव जान कथा हनुमान मध्य पाखे अच्छे आर आध्यात्मिक रहस्य कौन आगे बाड़ी हूँ कर्म कर्म सब आड़े चल जाए मनुष्य कर्म हैरान कर गोटे जगार हैरान कर सत्संग नारद को सत्संग अभिशाप कम दौनी दक्ष प्रजापति निजर जो भाई मैंने दिज जग ब्रह्मा डायरेक्ट उत्पन्न अभिशाप दे देते किंतु गोटे सत्संग हुए जो भगवान भगवान जो अच्छे से अभिशाप ना कारण से मझे मझे पलि आसता जो वसुदेव जान ले भगवान करते ये लीला काल रूप से सब सेटिंग कर देते वसुदेव भितर इच्छा है तेनाली वसुदेव कहले कि आपण हूँ पुण्य श्लोक भगवान निमंते आपण ही भ्रमण कर भगवान भवतु यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनां चार नंबर कृपाणानां यथा पितृः उत्तम श्लोक वर्तमान आपण बुलुचंदी मंगल पाई स्वस्ति माने मंगल स्वस्ति प्रजाभ्य स्वस्तिर्भूः स्वस्तिर्भवतु मंगल आपण मंगल पाई ही बोलुचंद सब बड़े पुण्य श्लोक भगवान का ना एटा पुण्य श्लोक अर्थात जहां को वर्णन करा जाए तो पुण्य श्लोक आपण माने भगवान पुण्य श्लोक आपण महापुरुष आपण आगमन ही मंगल कामना करे आपण बसंत बोली नारद को गोड़ हाथ देले देखते जहां को आपण गुरु मानुछन ना एमती भी कौन से गोटे श्रेष्ठ साधु सन्त आसिले आपन को चिन्ह पड़ो जो कहना स्वामीजी मुझे जान पारे नहीं गोटे साधु बेस मत धोखा देदेला मतलब तार भूल ना भूल हूँ तमर हाँ धोखा सी दे भूल मोर के तम सत्संग शुणुन स्वामीजी सीए धोखा देला मोर सत्संग शुणवार कौन गोटे प्रयोजन तमें जी सत्संग डेली शुणु था हाँ ताहले तुम भितर बेक आस जाता भल कौन मंद कौन ठीक कौन भूल कौन तुम्हें जदि असाधु पुरुष को चिन्ह पारे तुम सत्संग कर अच्छा एमती कथा तुम जब सत्संग कर जड़े साधु गुरु रूप से मान लु से गुरु को तुम समर्पण जो हम बास तुम से समर्पण से तुम जापर बेक अच्छा जे एत समर्पण तमें जन जो साधु आसु रूप से मानु तुम कम्प्लेन भी रही नहीं ना स्वामीजी से ठकिक नहीं गला ठकिक नहीं गला ये भाषा टा भी आसवन कारण तुम समर्पित पूर्व जन्म तुम्हें ठकी आज सी तुमको नाला कर्म दृष्टि किए क्या ठका ठकी ना सब जस्ट दिया चल तुम्हें पूर्व जन्म नहीं बर्तमान दे जदि तुमको सी साधु ठक सन्यासी भितर तुम गुरु देखा तारे तुमको ठक लगे जाओ से नेवार थिला नेला जेमिति हेले पट हो चित हो माने उसी कहीं चित उसी कहीं पट कौन दे जेकोसी आप जीवन रे अच्छा लोग आगे वसुदेव कौन कले देख वसुदेव तुरंत उठीगले प्रणाम कले सिंहासन बसइले देवगुण कहले जो जल आण दासी मान दौड़ी आसिले थाली रे जल कले निजे धोले
ক্ষেতে ভাগ্য তারপরে তখন ধোইবার মধ্যে গোটে সিস্টম আছে উচ্চাসন বসা যায় তারপরে তাঙ্ক গোড়টাকে রখা যায় কেতে জন তো মা মানে তাঙ্কর যে পণত কানিরে ভাই মানে তাঙ্কর যে কপড়ারে উচিলে তারপরে সে থালিটাকে অলগা করা যায় যেমন পাদুকা পূজা করা যায় ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇସାରିଲାଣି ପଚିଶ ଦିନର କ୍ଲାସ୍ ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ ତେଣୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତୁରନ୍ତ ନେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା 130-140 ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ହିଁ ହେବେ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ ଯେମିତି 1 month ମୁଁ କରିଥିଲି ରାତିରେ ହିଁ 9-10 ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଏଇଟା ତ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ ଯେମିତି ହେଲା ତ ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ନାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତ ହବନି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ 20ରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ଏଇ ମାସେଟେ ମାନେ 25 ଦିନରେ କାଫି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲେ କଣ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଲଗନ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋମୱାର୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବ ତେଣୁ ଅନେକ ହବନ କେମିତି କରାଯାଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଦୁକା ପୂଜା ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳ ବିଠଲ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମିଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ବା କୋଟି କୋଟି ଯିବେ ଯଦି ଆଣିବେ ବା ଶାଲଗ୍ରାମ ଶିବଜୀଙ୍କର ବା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଛୋଟ ତାକୁ ଗାଧେଇବେ କେମିତି ସ୍ନାନ କେମିତି କରେଇବେ ପାଦ୍ୟମ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବେ ପୋଛିବେ କେମିତି ତେଣୁ ବସୁଦେବ ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ସେୟା କରେ ଇଏ ହଉଛି ପାଦୁକା ପୂଜା କିନ୍ତୁ ନାରଦ ବସୁଦେବ ନାରଦଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରୁଛି ପାଦ ପୂଜା ପାଦ ପୂଜା ପାଦୁକା ପୂଜା ଅଲଗା ଅଲଗା କାରଣ ପାଦ ପୂଜା କରିବା ପରେ ପୋଛିଲେ ଦେନ୍ ସେ ଚରଣ ପାଦୁକା ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ଦେନ୍ ଆହୁରି ଉପଚାର କରେଇଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଦ୍ୟମ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ପୂଜା କରେଇଲେ ଦେନ୍ କହିଲେ କି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ସରିଲା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ପାତର ଅନ୍ତର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଏମିତିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ କହନ୍ତି ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏଥର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସବୁ ଶବ୍ଦ ମନେ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ବାହାରି ଆସିଲା ପାତର ଅନ୍ତର ପାତର ଅନ୍ତର ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ତା ମାନେ କଣ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ଅନ୍ତର ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ର ମାନେ କାହା ସହିତ ଭଲ କାହା ସହିତ ଖରାପ କହୁଛ ପାତର ଅନ୍ତର ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର ସିଏ ଖୁସି ପୂଜା ନ କରିବ ଖୁସି ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବାରୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ କାରଣ ଯଜ୍ଞ କଲନି କାହିଁକି ତେଣୁ ବସୁଦେବଙ୍କ ମନେ ଅଛି ଯଦିଓ ନନ୍ଦ ବାବା ହଇରାଣରେ ପଡିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୋଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଗିଡି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଯିଏ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଯିଏ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେବତା ମାନେଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳ ବା କୃପା ଇଏ ହଉଛି ସକାମ କୃପା କାରଣ ସହିତ
କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର କୃପା ସେ ହେଉଛି ଅହେତୁକ କୃପା, କୋଇ କାରଣ ନଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନେଇକି ଆପଣ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନ ନୁହଁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଲରେ, ବହି ଧରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏନ କେନ ଅବସ୍ଥାୟା ଭାବନ୍ତୁ, କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସୁଛୁ, ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିଛୁ, ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଆମ ଘରକୁ ଆମଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ତ ଆଉ ଜଣେ ନଥିବ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ତ ପତି ଶୁଣୁନଥିବେ, ପତି ଶୁଣୁଥିବେ ତ ପତ୍ନୀ ଶୁଣୁନଥିବେ। ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ, ପତି ମାନେ କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା ହେଇଗଲା, ମତେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ ହେଇଗଲା ଫାଇଦା, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଥିଲା, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 4ଟାରେ ଉଠିଯାଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା, ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ପରେ ମତେ ପଚାରୁଛି ଚା ଦେଇଦେବି କି, ଯୋଉ ଚା ମତେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ 7ଟାରେ ମିଳୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ 5:30-6 ବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି, ଫାଇଦା ହେଲା ନା ସ୍ୱାମୀଜୀ? ହଉ ଫାଇଦା ତ ହେଲା, ତମେ ଶୁଣୁଛ ମାନେ ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପତିଦେବ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦଲା ସେ କଟିଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ପତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ କହୁଛି ତମେ ବି ଶୁଣ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ତମେ କାମ କିଏ କରିଦେବ, ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ମତେ ଚା ଦରକାର, ମତେ ଜଳଖିଆ ଦରକାର, କିଏ ଦବ, ଏ ଝାଡୁ କିଏ କରିବ, ଏ କାମ କିଏ କରିବ, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଇଏ ଯିବ, ମତେ ଆଉ କୁହନି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆରେ ବାବା ଆକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟରେ କୁହ ନା, ଟିକେ ପ୍ୟାରରେ କୁହ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ମା ବାପା ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଭକ୍ତ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ହସିକି କହେ ହରିଓମ କରିକି, ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ ଯାହା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ମୋର କହିବାର ବହୁଲ୍ୟ, କାମ ଚାଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ କରାଯାଉ, ଶୁଣିବି ପାରିବ କାମଟାକୁ, ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେବେ ତା ବି ହେଇଯିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ଭାଗବତ ଶୁଣୁ, କଥା ଶୁଣୁ, ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ଘଟେଇବା, ତେବେ ଯାଇକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଉପନିଷଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ। ବହୁତ ଲୋକ ଉପନିଷଦକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଓନ୍ଲି ଥିଓରି, ଦେର ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଭଜନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଜପ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ପୂଜା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ବଟ୍ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହଁ, ନୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେଦାନ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। କଣ ଯଦି ଆମେ ବେଦାନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମ, ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟା ଭାଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ସଂସାରର ହଉଛି ମୁଁ, ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଣିଲା ସେଠ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ ମୋର ହଉଛି ସମସ୍ତେ, ଇଏ ହଉଛି ବେଦାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସେଠ କହିଲା, ତ ଜଣଙ୍କର 100,000 ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଆସିଲା ସେ ମାଗିବା ପାଇଁ,
पहले तुम वेदांत सुनल तुम भी जाइल ना सुनवाप से गुरुजी आसते ना ब्रह्म ज्ञान दीटा मेथड कही हाँ कौन ना समस्ते हूँ मोर नंबर वन मुझे समस्त हाँ हाँ मुझे शुणी बस मोर अधा ब्रह्म ज्ञान है ना कौन नंबर वन टा देखना समस्ते हूँ मोर तेणु तुम जो टंका टा ना से मोर मोर दरकार ना तुमको देवाप या वेदांत प्राक्टिकल वेदांत कहते हैं आज्ञा ये तो पिक एंड चूज हो गला जो दरकार से जोटे स्वार्थ को नहीं वेदांत कह जाए राक्षस उपनिषद हो गला जो वाक्य जो शब्द जो व्यवहार रे जो प्रैक्टिकल रे जो वेदांत एन एक्शन रे त्याग नहीं सेटा ही परिवने त्याग थी तो त्याग है तो स्वार्थ हो गला तार पैसा तुम देवा कथा तुम देन बर्तन कौन ब्रह्म ज्ञान हो गला ता नुह बुझे तेणु ब्रह्म ज्ञान प्राक्टिकल तेणु जब भी आम शुणा सत्संग शुणुंट आम निजक आम घटे वसुदेव उपर आम रहा वसुदेव कहते भगवान विष्णु हूँ मोक्षदाता ब्रह्मस्तथा पृछाम धर्मान भगवस्तथा यांचा श्रद्धा अमर्त्य मुच्यन्ते सर्वतो भया एवं मु पूर्व काल रे भगवान को प्राप्त करने पूर्व काल मान जो कृष्ण और सुतपा थे पूर्व जन्म पूर्व काल रे भगवान को विष्णु को तपस्या करथिलु किंतु मु तांको पुत्र रूप रे मागे देथिलु सेतिमे आज मोर पुत्र रूप रे आछन्दि किंतु मु मोहरे माया रे मोहित हे गेल पुत्र मोहरे विचित्र कथा संसार रे सुख दुख परि लागुछि ए दुख रो मु केमति दूर हे परि कारण दुखटा भी सुख लागुछि आ सुखटा परमानेंट रहुने पड़े जाऊ दुख ही दुख टोटल पिक्चर टा होचे दुख ये एडवर्टाइजमेंट होचे सुख कमर्शियल ब्रेक होचे सुख ये दुख रे निवृत्त होवा पे उपाय कौन देखो आज्ञा वसुदेव मध्य वेदांत क्लास अटेंड करिया पे बाध्य देखले वसुदेव किए भगवान कृष्ण को पिता सीए चाहिए मुक्ति ही पार था कृष्ण को कही था मुक्ति मत दे दे भगवान भी देवे ना देखी भगवान वसुदेव कहारे मुझे तू भगवान बापा तुम्हें भी भगवान मु भी भगवान बलराम भी भगवान सब भगवान कह सारे कि ज्ञान टा तुमको निजे को पार पड़ब भगवान रामंकर पिता हेले दशरथ दशरथ पुत्र आसक्ति रहिले तो सुरधाम गले स्वर्ग गले मोक्ष गले लिखाई सुर गय सुरधाम तापरे ज्ञान प्राप्त कला परे मोक्ष ये नियम तेणु जदि किए जन भाव ना मुझे मुत बड़ लोक भाई मुदेवि से करदेवि किसी ना निजक हिं कर नारद आरंभ कले कले जाहु सुंदर विषय पचारे भागवत धर्म या कहते जहा कर्ण रे शुणा मात्रे भागवत धर्म ताकू कहते कर्ण रे कान रे शुणा मात्रे मुखरे उच्चारण करवा मात्रे चित्तरे स्मरण करिवा मात्रे ताहाको हृदय रे आदर और अनुमोदन करिवा मात्रे मनुष्य पवित्र हे भागवत धर्म ताको कहंती तखन चारटा जिनस कहले फर्स्ट होचे सुनु सुनु मुक्ति मुखरे से भागवत धर्म उच्चारण करू करू मुक्ति मन रे चित्तरे स्मरण करू करू मुक्ति एवं हृदय रे आदर भाव अनुमोदन करिवा मात्रे मुक्ति
श्रुतो नु पठितो ध्यात आदृतो वानुमोदित सद्यः पुनाति सद्धर्मः देव विश्वद्रोहोपि बार नंबर द्वितीय अध्याय बार नंबर अंडरलाइन मनुष्य पवित्र है जितने भी दुष्ट हो कारण भगवान कर नाम श्रवण कीर्तन बहु पुण्य मिले जा प्रश्न आप पचारदे मोर नारायण स्मरण है बर्तमान प्रश्न हो नारद नारायण स्मरण है कि कारण 13 नंबर श्लोक जा तया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान अद्य देव नारायण मम मत आप मन पकईदे तो मैंने भगवान को मन पक न भगवान को भूल जाइए नारद कहते मत आप मन पकईदे स्मारित मत प्रश्न पचार कि आप स्मरण करदे फास्ट उत्तर हूँ भगवान कथा कहवाप स्मरण करदे कारण भगवान कथा कहवाकूल पूर्वर जमी मु पठन अध्ययन करुच्चे कह कथा कहवाकूल गोटे गोटे हूँ भगवान नाम करवा गायबा आ गोटे हूँ भगवान कथा कहवाक गोटे स्पेशियाल दरकार जा भगवान कथापे आप स्मरण कर विश्वनाथ चक्रवर्ती सी गोटे सेकेंड मिनिंग बड़ा सुंदर अर्थ सी कहते जिते द्वारका आसुले ना से कृष्ण ही भगवान कृष्ण ही नारायण ये भावना टा मझे मझे भूली जाऊे नारद एवं जो भगवान कृष्ण लीला से लीला ही पढ़ुले एण नारद देख ना परीक्षा करने को आते भागवत धर्म कथा पचारदे भगवान कथा स्मरण आसला ओहो बर्तमान मत आम कृष्ण कथा ही कह सीटा स्मरण जी भी वक्ता जी गुरु स्मरण कला मन भितर हृदय को आनला आने से नारायण कथा को स्मरण कर भागवत धर्म विषय जो कह स्मरण कर नारद जीवन अनेक कथा अच्छे कहले जाऊ मु गोटे उपाख्यान कह नारद वसुदेव संवाद को लेकिन निमि राजा नव मुनि संवाद गुड़क आस अच्छा जाऊ निमि राजा जनक राजा निमि मिथिलापुर श्रुतदेव जन थे से समय रे भगवान कृष्ण जो अवतार थे ना मान लीला चलता द्वारका थे से समय रे से जो जनक राजा जी निमि जनक राजा ना थी श्रुतदेव जमी जनक राज थे शिखर ध्वज भाई थे एवं ये निमि राजा तो सीए पुराणा कथा है सत्य युगर कथा सीए गोटे विराट यज्ञ करते यज्ञ करेले नव मुनि आस तो नारद तो डिटेल वसुदेव कहे नव मुनि किए कि सुखदेव जी कहते परीक्षित मन अच्छी ना नहीं नव मुनि मुझे कह मन अच्छी ना नहीं नव मुनि कथा भरत प्रसंग आसला पंचम स्कंद जोड़ भरत प्रसंग जन कह हाँ 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 मन अच्छे आज जन कह मन ना मन पका जा लिखाई पंद्रह नंबर श्लोक अच्छे पूर्व काल प्रथम मनवंतर ना हूँ स्वयंभू मनवंतर स्वयंभू मनवंतर पुओ थे प्रियव्रत मनुकर स्वयंभू मनुकर दिटा पुत्र प्रियव्रत उत्तान पाद उत्तान पाद ही ध्रुव हेले एवं ये प्रियव्रत प्रियव्रत दसटा पुत्र थे से भीतर हूँ आग्नेन्द्र आग्नेन्द्र पुत्र थे नाभी मनु प्रियव्रत आग्नेन्द्र नाभी नाभी पुओ थे ऋषभदेव ऋषभदेव हूँ भगवान अंश अवतार
तमाहुर वासुदेवांश मोक्ष धर्म विषय मोक्ष धर्म विषय पाई आसीथिले अवतार नहीं कि अवतीर्णम सुत सतम ऋषभ देव शहेटा पुत्र थिले प्रथमटा पुत्र होचंती भरत जहां नारे भारत हला तेसाम वही भरत ज्येष्ठ नारायण परायण देखो भरत नारायण परायण सत्र नंबर विख्यातम वर्षमेत यन्नाम भारतम अभूतम प्रथम थिला वर्षम अजनाव वर्ष अंकुरी जो भारत वर्ष धीरे धीरे ना इतिहास आम भूली जाऊ आम जो सेकुलर हो अन्यान्य कल्चर प्रति इंटरेस्ट हो जो भारत और जो संस्कृति नाम भूल जाऊ भूल टेम करूचे तापर आम तर्क दौच जने जी डायरेक्टर अच्छी से झील स्त्री लोकटे सी काली माँ को सिगरेट एमती कराऊ एवं कौच काली माँ तो मानस कहते काली माँ तो लग्न होते काली माँ तो शराब पी चले अरे बाबा सेता सीए कोटे कामों पे आश्चर्य सेते पे ही कहा वर्णन वर्चे शास्त्र में शास्त्र बिना शास्त्र विरोध रहता में किसी लिखी परिवार शास्त्र कोठी भी लिखा है ना कि सिगरेट पी थे अरे बाबा जितने शास्त्र लिखा है तो ला सिगरेट ही न थला तो मैं निजे निजे कहें कि परिवार तो जैसे पीके रहे सब पिक्चर वना कौन उड़े अन्य अन्य सब जो फिल्म रहे सब शिवजी को भगवान को सब अपमान मलिया बाहर ची खराब जिनस जो भी जिनस शास्त्र अनुसार जीवा हो ची शास्त्र रे जो मदो मांस विषय रही ची सेटा मान कर स्पेशल गोटे काम पाई एग्रेसिव एक्शन पाई आस्तले से महिषासुर को मारिबा को ची एबे तक बिलास व्यसन रूप में देखा गया सिगरेट टा ये हो ची लॉजिक ये हो ची तर्क तो आम मानन पर सनातन धर्म हिंदू धर्म रो रहस्य को जानिबा दरकार सेतिमें ये जो महाभारत बी आर चोपड़ा देन रामानंद सागर रामायण बहुत ही कम देला एटी ग्रंथ प्रति संस्कृति प्रति धर्म प्रति प्रगाढ़ आदर भाव दिखाईला एमती नुह आम धर्म को आम कलुषित करदे जमी चाहिए सेमती मोड़ा मोड़ी करदे बर्तमान तो जन मोहम्मद विषय कहदे को ये सारा वर्ल्ड रे पे न जाने के आम हिंदू धर्म पाई ये कहीदे आमको जाग्रत हवा दर तेणु अजनाब वर्ष थिला भारत वर्ष हला देखे आम प्रत्येक भारतीय को जानवा दरकार आज आम इंग्लीश रे इंडियान इंडियान हु आर यू आई एम इंडियान कि भी कहूनि मु भारतीय इंडियान रे शब्द टा आसीबनी भारतीय शब्द रे आसीबो भरत वंश निजे अर्जुन भी भरत वंश धृतराष्ट्र मध्ये भरत वंश परीक्षित मध्ये भरत वंश भरत जेतले राजत्व करथले शेष राजत त्याग कर छाड़ीदे आम देखी पंचम स्कंद तृतीय जन्म से मुक्त हेले प्रथम है राजा भरत तापर हरिण हेले क्यों हरिण प्रति आसक्ति तृतीय जन्म रे ब्राह्मण कूल रही जड़ भरत हो मुक्ति कौन शुण नारद ही कौन भरत नौ जन जी थे सी हूं ऋषि मुनि वैरागी 81 जी रहिले ब्राह्मण हेले आउ नौ जन नव जो वर्ष अच्छे नव वर्ष नवद्वीपर राजा हेले तो नौ नौ अठर ये उन्नीस आईवान सर भरत ना ए ऋषभ ऋषि भगवान कर से ऋषभ ही जैन मानकर तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଅ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଶୁଣ, କବି, ହରି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ପ୍ରବୃଦ୍ଧ, ପିପଲାୟନ, ଆବିହୃତ, ଦୁର୍ମିଳ, ଚମସ, କର ଭାଜନ, ସବୁବେଳେ ଏ ନଅ ଜଣ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ ଭଳିଆ କରନ୍ତି। ଏ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ଜଗତକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ହିଁ। ଜଗତ ସର୍ବଂ ବାସୁଦେବ ଇତି, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ବୁଲୁ 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 ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେ। ସେମାନେ ଦେବତା, ସିଦ୍ଧ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ନର ସବୁ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁନି, ଚାରଣ, ଭୂତନାଥ, ବିଦ୍ୟା, ଧର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଜାତିର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲନ୍ତି। ଦିନେ ବୁଲୁ 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 ନିମିଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମିଥିଲାପୁରୀ। ନିମି ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜସ୍ୱୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ନଅ ଜଣ ଯାକକୁ ଆସନରେ ବସେଇଲେ। ରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ନଅ ଜଣ ଯାକକୁ ନିମି ରାଜା କଣ କଲେ, ସେମ୍ ପାଦ ସେବା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଥାଳିରେ ରଖିଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଢାଳରେ ପାଦୁକା ପାଦ ପୂଜା କରେଇଲେ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ପୂଜା କଲେ, ବିଧିବର୍ତ୍ତ ପୂଜା କରେଇଲେ। ପ୍ରାତଃ ସମ୍ପୂଜୟାନ ଚକ୍ରେ ଆସନ ସ୍ଥାନ ହରିଆ ଅରହ, ଆସନ ଦେଲେ, ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରେଇଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ କାନ୍ତିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ମନେ ହଉଥିଲା ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନକାଦି, ସନକାଦି ସିନିୟର, ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଆମ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତ ନାରଦ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏ ଯେ ନବମୁନି ଜଣେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁତ୍ର, ତାପରେ ପରେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଳ୍ପରେ ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଫିର ଆଉଥରେ କଣ କଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ, ଏମାନେ ବିବାହ ହେଲେନି ନା, ଫିର ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ ଏ ତ ବିବାହ ପ୍ରଜା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଶରୀର କୁହନ୍ତି କାୟ, କ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ଅୟ ଭାଗ, ଭାଗ ହେଇଗଲା, ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ନାଁ ମନୁ, ଆଉ ବାମ ଭାଗ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ନାଁ ଶତ୍ରୁପା ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ଏମାନେ କହିଲେ କି, ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଆପଣ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କାରଣ କଣ, ନା ତୁମେ ପତି ପତ୍ନୀ ହୁଅ, ଏବଂ ଔରସ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କର। ଦେନ୍ ସେମାନେ ବି ତପସ୍ୟା କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦିଟା ପୁତ୍ର, ତିନୋଟି ପୁତ୍ରୀ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଉତ୍ତାନ ପାଦ, ଦେନ୍ ପୁତ୍ରୀ ଆକୃତି, ପ୍ରସୂତି, ଦେବଭୂତି ମନୁଙ୍କର, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଅନେକ ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ସବୁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିବ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜା ମାନେ ଆକୃତି, ପ୍ରସୂତି, ଦେବହୂତି, ପ୍ରସୂତିରୁ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଦେବହୂତିରୁ କପିଳ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ସେଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ପୁଅର ନାଁ ଅଗ୍ନିନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନିନ୍ଦ୍ରର ପୁଅର ନାଁ ନାଭି, ନାଭିଙ୍କର ପୁଅର ନାଁ ରିଷଭ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିରିଏଲ ହେଇଗଲା ନା। ତେଣୁ ସନତ କୁମାର ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁ, ସନତ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ନାଗ୍ନିନ୍ଦ୍ର, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଅଗ୍ନିନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ର ହଉଛି ନାଭି, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ। ତେଣୁ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ସନତ କୁମାର ଆଦି, ଏମାନେ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ପରେ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରଦ ସବୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସନତ କୁମାର ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବିଜୟରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆହା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି।
आपण तो भगवान पार्षद भगवान सेवक सदा सर्वदा भगवान नाम गाई विचरण कर मोर गोटे प्रश्न अच्छे मनुष्य जन्म मिलवा ही दुर्लभ एवं ए मनुष्य शरीर क्षण भंगुर मत प्रसिद्ध श्लोक अंडरलाइन कर 29 दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन दुर्लभ होचि मनुष्य शरीर किंतु क्षण भंगुर मध्य एवं भगवान भक्त दर्शन कर आउरी दुर्लभ तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन वैकुंठ माने भगवान का ना ही वैकुंठ जहां को जीवन रिकुंठ ना एवं जोटी भगवान रहते ना भी वैकुंठ प्रिय वैकुंठ प्रिय किए भक्त वैकुंठ प्रिय दर्शन भगवान होचंदे भक्तानां भक्त 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 भगवान कितने सुंदर नाम भक्तानां भक्त आपण दर्शन मिलला मत आम मान जणे नो जन एणु मु मोर परम कल्याण उपाय आपण जानिया चाहूची आपण भागवत धर्म बुझा नारद कहते वसुदेव को बुझल तमें जो प्रश्न पचार धारणा कर मोर जो प्रश्न ना पूरा अलिक मोर प्रश्न पूरा मौलिक मोर प्रश्न पूरा नुआ बिलकुल ना आम शास्त्र में सबकि उपनिषद गंगा देखुली दारा सुको शाहजहान पुत्र औरंगजेब भाई सी उपनिषद आज्ञा बुले 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 उपनिषद लिखी उर्दू फारसी भाषा से अनुवाद कर ग्रंथ भी लिखि आज सीरीयल टा देखा पर जेल पकईद तथापि बस न जायते न मृत से गाय ठीक नौटा बेल देख नौ साढ़े नौ राति चिन्मय चैनल टीवी नो यूट्यूब बहुत लोग जानी पार ना यूट्यूब को जीवे यूट्यूब रे चिन्मय चैनल लिखे देवे ऑटोमेटिक आस जीवे है ना माने धारा सुख को से बंदी कर देवे माने औरंगजेब बापा को तो करी देला इतिहास पढ़ चले सी जो उपनिषद कथा कहछन ना आज मु ईसावास्य उपनिषद ने भी ये सब उपनिषद सारांश पढ़ी जन मुसलमान है कि मतलब आम मैंने हिंदू आम मैंने शुणा चाहे ही जानूं आप जन इंटरेस्ट किए जन हो बंधु कितने दुर्भाग्य जहरी जो आमर धरोहर सी हूँ विशिष्ट से भागवत धर्म मुझे चाहिए वसुदेव को नारद कह धन्य तुम्हें जहाँ पचार मैंने मैंने निमिराजा पचारे तेणु बर्तमान जड़े जड़े अच्छा तेणु ये कवि जी नंबर वन अच्छा कवि सी उत्तर देवे भागवत धर्म कौन कहते मैंने कल देखिया ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधना प्रत्यर्मुक्षीयमामृतात् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।